हम सब जानते हैं भारत में आर्ट और आर्किटेक्चर्स की कमी नहीं है। खजुराहो टेंपल से लेकर कोणार्क मंदिर तक, ताजमहल की खूबसूरती से लेकर हम्पी के बिखरे अमर इतिहास तक, हर जगह ये आर्किटेक्चर्स आपको सरप्राइज करने के साथ साथ दे मेक यू थिंक अबाउट द विजन एंड द पर्पस बिहाइंड दिस इम्पॉसिबल आर्किटेक्चर्स एंड आर्ट। तो मैंने सोचा क्यों ना एक काउंटडाउन सीरीज़ बनाई जाए जिसमें ऐसे आर्किटेक्चर्स और हिस्टोरिकल फिगर्स के बारे में मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स के तौर पर बताऊंगा। आज मैं शुरू करने वाला हूं एक ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में जिसकी बनावट से ज़्यादा उसके किस्से फेमस हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसे बनाया नहीं, तराशा गया था सिर्फ एक पत्थर से। सो लेट्स स्टार्ट द काउंटडाउन। स्थानीय रूप से इस जगह को वेरुलेनी भी कहा जाता है और यहाँ पाई गई थी दुनिया की द लार्जेस्ट सिंगल मोनोलिथिक स्ट्रक्चर कैलासा टेंपल। कैलासा टेंपल 34 गुफाओं में से गुफा नंबर 16 में स्थित है। 1300 साल पुराने इस विशाल मंदिर को सिर्फ एक चट्टान से बनाया गया है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की माने तो लगभग 4,00,000 टन से अधिक चट्टानों को इस मंदिर के दौरान इसके निर्माण में निकाला गया था। ये दुनिया का एकमात्र मॉन्यूमेंट है जिसे बनाने की शुरुआत नीचे से नहीं ऊपर से की गई थी। और स्ट्रक्चर का सबसे पहला हिस्सा जो बनकर तैयार हुआ वो था इसका शिखर, और शिखर किसी भी हिंदू आर्किटेक्चर में सबसे आखिर में तैयार किया जाता है। व्हाट इज़ मोर शॉकिंग एंड इंटरेस्टिंग इज इस मंदिर को बनाने वाले लेबर्स, आर्किटेक्चर्स, सबके दिमाग में एक ही ब्लूप्रिंट रहा होगा और किसी से भी किसी भी प्रकार की गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस मंदिर की रचना को बिल्कुल कैलाश मानसरोवर को ध्यान में रखकर बनाया गया था। अर्ली एक्सकवेशंस में ये पाया गया है कि इस मंदिर को शुरुआती दौर में सफ़ेद रंग से रंगा गया था ताकि ये बिल्कुल कैलाश पर्वत या कैलाश मानसरोवर जैसे लगे। इस मंदिर के निर्माण और निर्माणकर्ताओं के बारे में कोई खास सबूत तो नहीं मिलता और ना ही इस मंदिर में किसी भी प्रकार की शिलालेख मिली है जिससे कि इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ भी पता चल सके। पर वडोदरा में 812-813 CE के कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ये दर्शाते हैं कि शायद इस मंदिर के निर्माण का इतिहास राष्ट्रकुटा डायनेस्टी के राजा कृष्णा वन से हो सकता है। और इसी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के अनुसार इस जगह को ईलापुरा भी कहा जाता था और यहाँ पर एक शिव मंदिर होने का भी प्रमाण मिलता है। एंड मोस्ट स्कॉलर्स डू बिलीव एंड कंसिडर दिस एज अ सॉलिड रेफरेंस बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मैसिव टेम्पल। Absolutely true. This place was fully designed only with chisels and hammers from top to bottom. इस तीन मंजिला इमारत को बनाने में सिर्फ छीनी और हथौड़ी का उपयोग किया गया था और जिसके निशान आज भी यहाँ की नक्काशियों में नजर आते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकुटा डायनेस्टी के राजा कृष्णा वन द्वारा 756 से 773 में किया गया था। It was speculated before that it would have taken more than 100 years to finish द टेम्पल कंस्ट्रक्शन। और ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेशन हमें इंटरनेट पर भी मिलती है कि इस मंदिर को एलियंस ने बनाए हैं, इस मंदिर को बनने में बहुत साल लग गए थे, बट इन रियालिटी इट टुक ओनली 18 ईयर्स टू बिल्ड दिस टेम्पल। मोस्ट इन्वेडर्स ट्राई टू डिस्ट्रॉय द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ एंशंट इंडिया। सो डिड द मुगल रूलर औरंगजेब, जिसने अपने रूल में भारत के कई बड़े और छोटे मंदिरों को नष्ट किया जिसमें सोमनाथ, 64 योगिनी, त्र्यंबकेश्वर जैसे मंदिर हैं, तो वो डेफिनेटली इस कैलाश मंदिर को कैसे छोड़ता। कहा जाता है कि 1682 में लगभग अपने 1000 सैनिकों को औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए भेजा था और बहुत समय तक बहुत कोशिश करने पर भी वे सिर्फ कुछ ही मूर्तियों को नष्ट कर पाए और इस मंदिर को वैसे ही छोड़ दिया। कहीं ना कहीं ये जो ड्यूरेशन है वो हमें 3 साल तक के भी मिलते हैं। औरंगजेब के सैनिक ने लगभग 3 साल तक इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की थी। एक मराठी कथा के अनुसार कैलाश मंदिर के निर्माण का उल्लेख 14वीं शताब्दी की एक किताब कथा कल्पत्रु में मिला है। इस लेख के अनुसार यहाँ के स्थानीय राजा किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और उनकी रानी ने उनके पति को ठीक करने के लिए एलापुरा में भगवान कृष्णेश्वर महादेव, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं, वहाँ मन्नत मांगी और अपने पति के ठीक होने पर वहाँ एक मंदिर बनाने की कसम खाई। वो कसम भी ऐसी थी कि जब तक वो रानी उस मंदिर का शिखर नहीं देख लेती वो उपवास नहीं तोड़ेंगी।
इसके बाद राजा ठीक हो गए और रानी ने उन्हें मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा। और कई वास्तुकारों ने ये साफ साफ कह दिया कि इस मंदिर और इस मंदिर के शिखर को बनने तक कई महीने लग जाएंगे। तभी कोकासा नामक एक वास्तुकार ने राजा को आश्वासन दिया कि रानी सिर्फ एक हफ्ते में मंदिर के शिखर को देख पाएंगे और जिससे कि वो अपना उपवास तोड़ सकें। और फिर कोकासा ने सबसे पहले इस मंदिर के शिखर को बनाया जिससे रानी ने अपना उपवास तोड़ा। और इस लेख के अनुसार जिसके बाद इस मंदिर का नाम मणिकेश्वर पड़ गया जो उस रानी मणिका देवी के नाम पर पड़ा। एम के डवलिकर इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि कैलाश मंदिर का निर्माण कोकासा ने ही करवाया था। भारत की कई 11वीं से 13वीं सेंचुरी के टेक्स्ट में कोकासा को एक आर्किटेक्ट फैमिली में पैदा होने का रेफरेंस मिलता है। सच्चाई कुछ भी हो पर एक बात तो सच है, ऐसा मोनोलिथिक मेगा स्ट्रक्चर अगर दुनिया में कहीं है तो वो है हमारे भारत में। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपके लाइक से ज़्यादा मुझे कमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज दैट विल हेल्प मी अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टू इम्प्रूव। अगर आपको कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको नीचे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। स्टे ट्यून्ड विद बीइंग हिस्टोरिक। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।